आपको शायद ये सुन के बुरा लगे, लेकिन अब आपको अपने लिए सेल्फिश होना पड़ेगा। सेज अंकल, एक केयरिंग लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है। नॉट पॉसिबल बेटा। देखो, शाजिया जो है वो हमेशा से ऐसी खुदगर्ज और खुदसर रही है। अभी सेज मैं अकेला से कैसे चेंज कर सकता हूँ? आपकी जगह कोई और होता ना, अब तक दूसरी शादी कर चुका होता। हर इंसान को खुशी खुशी जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन आपने मुझे बेटी कहा है ना, बस उसी हैसियत से मैं आपको ये मशवरा दे रही हूँ। अपने लिए सोचें, तन्हाई तन्हाई इंसान को जीने नहीं देती। लोनलीनेस इज वेरी डेंजरस। कुछ ना, तुम्हें तुम्हें आइंदा मेरे से कोई शिकायत नहीं होगी। सच सच नोबल, तो फिर हंस के कहो ना, ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि तुम दिल से कह रहे हो। मैं दिल से कह रहा हूँ कुछ ना। रोशना जिस काम की ठान ले वो करके ही रहती है, इसे हराना आसान नहीं। मसूद अंकल की फैमिली को तो इम्प्रेस कर लिया मैंने, अब बाबा और दादी के वोट भी मेरी तरफ ही होने चाहिए, ताकि नौफल को हासिल करना आसान हो। बाबा, चाय मैंने खुद बनाई आपके लिए। बाबा, आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? नहीं बेटा, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं। सच बाबा, आप बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। गलती तुम्हारी नहीं, शायद शायद हमारी है। तुमको जिंदगी की ओर पीछ शायद सही तरीके से समझा ही नहीं सके। अच्छा, आप चाय तो पिए, ठंडी हो रही है, मैं खुद बना के लाई हूँ, पिए ना और बताएं कैसी बनी है। बस क्या बताऊं, कैसी है? बेहतरीन।